लिख दूं तुझे मैं, तू एक किताब है, छोटे से जीवन में जीता खिताब है। कर दूं तुझे आज आखिर विदा, फिर क्यों हक में तेरे बचता हिसाब है। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और बैठे बैठे रजाई में वीडियो देख रहे हो। तुम ये अभी निकल के बाहर कॉपी पेन उठाओ और तब पढ़ो, मजाक नहीं है पढ़ाना। हम भी आए हैं निकल के रजाई से, निक्कर में ठंड हमें भी लगती है, हमें भी घुसती है ठंड जगह जगह से, फिर भी आ रहे हैं ना हम पढ़ाने। पहन के ये बिल्ली जैसे कपड़े, चीते जैसे कपड़े क्या करें, बाजू अलग से लगवाई है हमने तुम्हारे लिए सिर्फ। आखिर कब बात करोगे मोदी सरकार? इंतजार में है विद्यार्थी, कब तक रहेगा बेरोजगार? क्यों तंग कर रहे हो उसे? ऊपर से ऐसे ऐसे लोगों की तारीफ करते हो, अर्णब गोस्वामी जैसे कि उसके पक्ष में कितना सरकार आ रही थी उसके बचाव में। लगाओ अर्णब को कॉल, बहुत बड़ा हीरो बन रही है। हेलो, कौन? अर्णब बात कर रहा है? क्या चल रहा भाई? अबे तुम दुनिया की चैट लीक करते थे, रिया चक्रवर्ती से लेकर के रानी मोंडल तक, आज तुम्हारी लीक हो गई। व्हाट्सएप ने 4 दिन की प्राइवेसी इसीलिए हटाई थी कि तुम्हारी चेक देख सके। पत्नी भी तलाक दे रही है, दूसरी महिला मित्र के मैसेज लिख के। भाई तुम्हारा काम हो गया। पर अबे एक बात बताओ बे तुम, अबे तुम गाली तो तुम्हें नहीं देंगे, हमें आती नहीं है, तुम ये पुलवामा अटैक पे काहे बे इतना उछल रहे थे भाई? केक भी काटे थे। आने दो तुम्हारी ये फोटो बाहर, अगर तुमको हमने नानी ना याद दिला दी ना, तुम तब कहना बेटा अर्णब। आज तक तुमको ये सुध नहीं आया कि इस देश में बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, सरकार से तुम सवाल कर सको, और तुम पुलवामा अटैक पे केक काट रहे थे। मैं कटवाऊंगा तुम्हारी केक, मैं तुम्हारी केक कटवाऊंगा, जीभ ना कटवा दी ना, ये जो पूछता है भारत और पूछता है भारत, मैं पूछवाऊंगा। अभी तो रख रहा हूं बिना कहे।